नमस्कार, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, आप सब भोजपुरी के जितने भी देवता रूपी लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, उनका पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और आज बड़ी दुख के साथ मुझे लाइव आना पड़ रहा है। आज कल मैं वैशाली जिला में एक शो करने गया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पथराव मेरे ऊपर हुआ। और ये मेरे बड़े भाई सुधीर सिंह जी आज पोस्ट किए हैं कि मैंने अश्लीलता के खिलाफ आगाज़ कर दिया। मैं आपके अश्लीलता के विरोध में नहीं हूँ, मैं भी समर्थन में हूँ कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर मुझे मारना ही है तो भाई आप बुला लीजिए मुझे और मुझे अपने बीच में मार दीजिए ना। मेरे वजह से कुछ पब्लिक को, मेरी जनता को जो मुझे मोहब्बत करती है, आप आज आप फेसबुक आईडी पर अपने डाले हुए हैं कि मैंने अश्लीलता के विरोध आगाज कर दिया है। मैं एक जादू समाज का बेटा हूँ, एक गरीब परिवार का बेटा हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? मैं आगे बढ़ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मेहनत किया और मैं आज जो भी कुछ हूँ, मेरे जाति के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मेरे जाति के नहीं, हर जाति के लोग। और आप कह रहे हैं कि अश्लीलता का आगाज कर दिया। मैं जहाँ भी शो करने जा रहा हूँ भाई लोग, मैं आज दुख से आ रहा हूँ, कल मेरी हत्या हो जाती, कम से कम 200 पत्थर मेरे गाड़ी पे चले हैं, एक भी शीशा बचा नहीं था, सिर्फ मेरे गाड़ी पे। और वहाँ पे इनके समाज के लोग, ऐसा नहीं कि बहुत सारे समाज के वहाँ लोग थे, और राजपूत समाज के लोग भी मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन मेरे वजह से यार वहाँ पब्लिकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मेरे पब्लिक जो मुझे मोहब्बत करती है, मुझे देखने आती है, उसमें हर समाज के लोग होते हैं। कुछ अपने समाज के लोगों को, राजपूत समाज के कुछ लोगों को मिलाकर, और ये मेरा हत्या कराने के हर जगह ये मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं जे मैंने आगाज कर दिया। क्या साबित करना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं जे गरीबी का ढोंग रच रहा हूँ, मैं जातीयता कर रहा हूँ। मैं जातीयता क्यों करूँगा? एक कलाकार का कोई जाति नहीं होता सुधीर भैया, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं आपको हमेशा सम्मान देता हूँ। आज सिर्फ खेसारी के ही कार्यक्रम में क्यों, सिर्फ खेसारी पे आप अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी पब्लिक पे क्यों निकाल रहे हैं? आप अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को सिर्फ खेसारी ही उसका भागीदारी क्यों है? आप अपने समाज के लोगों को भड़का कर, आपको मुझे मारना ही है तो आप बोलिए कि खेसारी में तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर वो है तो आप तुम मेरे पास आओ, मैं अकेला आ जाऊंगा सुधीर भैया। प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं अगर यादव समाज के भी एक बेटा हूं, एक गरीब परिवार का बेटा हूं, मुझे उतना तंग मत करिए। आप कभी साधु लोगों से बुलवाते हैं, मेरे बेटी को गाली दिलवाते हैं, मेरे माँ को गाली दिलवाते हैं, मेरे बहनों को गाली दिलवाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपके साथ जो हुआ उसमें मैं कहीं दोषी नहीं था। जो मुझे मोहब्बत करते हैं वो अपनी प्रक्रिया, हाँ, लेकिन मैं कभी नहीं किसी को बोला कि आप सुधीर भैया को गाली दीजिए, आप सुधीर भैया को माँ बहन के गिरने, वो भी आप मेरी माँ है, आपकी भी माँ मेरी माँ है। आप मेरे हर कार्यक्रम को भंग करना चाहते हैं, उसमें पब्लिक का नुकसान हो रहा है। आपको मेरा हत्या करना है तो कर दीजिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार के बेटे को जीने का कोई हक नहीं है तो आप पब्लिक जनता मुझे बता दीजिए। अरे यार, मैं यादव समाज से हूँ तो उसमें मेरी क्या दोष है यार? और हर समाज के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, मैंने कभी जाति प्रथा किया ही नहीं, हर जाति के लोग मेरे लिए भगवान स्वरूप है। आप ऐसा फेसबुक पे डालते हैं, फेसबुक पे कुछ भी लिखते हैं और कह रहे हैं कि मैंने वैशाली के धरती से आगाज कर दिया। आपका स्क्रीनशॉट मेरे पास है कि आप क्या आगाज करना चाहते हैं? जातिवाद पैदा करके लोगों को भड़का कर, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? मैं कल वैशाली में गया था, पहले स्टेज के पीछे बांस खींच दिया गया, स्टेज फंस गया, उसके बाद जनरेटर का तार काट दिया भाई, साउंड बंद हो गया। मैं वहाँ क्या करूँ, अंधेरा में मैं क्या करूँ? और मुझे ऑर्गेनाइजर की तरफ से बोला जा रहा है कि आप निकल जाइए। मैं निकलने की कोशिश किया
और मेरे गाड़ी पे कम से कम 200, बताइए जिस मिट्टी पे मैं गा रहा हूँ वहाँ पत्थर कहाँ से आया? पत्थर वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे और मेरे गाड़ी पे बारिश की तरह बरसा। मैं शहीदों के सम्मान में गया था वहाँ, मैं अश्लील गाने के लिए नहीं गया था भैया। जिन्होंने अपने, जिन माँ ने अपने बेटे को खोया है, जिन शहीदों ने हमारी रक्षा करके हमें कुशल जिंदगी देते हैं, उन शहीदों के सुरक्षा में थी मैं गया था, मैं सम्मान में गया था। और आपको अश्लील दिखाई दे रहा है खेसारी? किसी बाबा से आप गाली दिलवाते हैं, कौन सा अश्लील गाना है मेरा भी मुझे बता दे आप। उनका भी नाम सिंह ही है। मैं हर राजपूत समाज के हर आदमी दोषी नहीं है, मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन आप ये जातिवाद अपने ही लोगों में भड़का के मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? आप कहिए मैं गायकी छोड़ दूंगा यार। जहां तक चुनाव की बात है ना यार, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिसको लड़ना है, मेरी दुनिया दूसरी है। ये जनता ने मुझे कम से कम 50 MP की ताकत दिया है मुझे। आप हर जगह मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आज बहुत दुख में बोला हूं क्योंकि मैंने अपने सामने प्रशासन की कुछ लड़कियां थी, उनको छेड़खानी आपके लोग कर रहे हैं। आप हर शो में कुछ अपने लोग भेजकर और मेरे को परेशान कर रहे हैं, उसमें पब्लिक का नुकसान। मुझे मार दो यार, ताकि मैं नहीं रहूंगा तो ही शायद पब्लिक का भी नुकसान नहीं होगा। जो जनता मुझे प्यार देती है, बेटी की तरह मोहब्बत करती है, उसमें, इस जनता में कोई जाति पड़ता नहीं है। और जो खेसारी को मोहब्बत करते हैं ना, खेसारी पे ईंटा नहीं चला सकते। आप ऐसे साजिश मत किया करिए। आपको लड़ना है चुनाव, लड़ो ना यार। मैं कहाँ आपको बोल रहा हूँ जब मत लड़ो, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको हक है। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ भैया। आज मैं जो भी हूँ अपनी जनता की बदौलत हूँ। मैं 24 घंटे से सोया नहीं हूँ, सिर्फ मैं आंखों में आंसू लेके रो रहा हूँ यार, क्योंकि मैंने अपने सामने 10 लोगों का सर फटते हुए देखा। मैं गुजरात के हादसा में जो मारे गए अमरजीत थे, उनके बच्चों को गोद लिया, उसमें भी आपके लोग टिप्पणी कस रहे हैं कि खेसारी राजनीति कर रहा है। ट्रेन हादसा हुआ है, जाकर वहां क्यों गोद नहीं ले रहा है? मैं कभी नेता हूं, जितना मुझे समझ में आता है मैं कितना टाइम दूं अपने जनता के लिए, एक मनोरंजन का साधन हूं मैं। वहाँ पे मेरा बैग, एक बिलेनो गाड़ी थी, उसमें मेरा बैग था, एक गोल्ड की घड़ी थी, कुछ कैश पैसे थे, सारा बैग वो सब छिनवा दिया सबने। मैं जो कपड़ा पहन के गया था वही कपड़ा पहन के आया हूँ, बैग तक नहीं है मेरे पास। आप ऐसा मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं जादो कुल का बेटा हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? आपको मेरे जाति से प्रॉब्लम है। मैं किसी को नहीं बोलता कि आपको कोई गाली दे। जो मुझे मोहब्बत करते हैं वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको बोलता हूं कि प्लीज़ आप लोग किसी के माँ बहन को गाली मत दीजिए। सबकी माँ तो माँ ही होती है, बहन बहन होती है। कोई माँ और कोई बहन क्या किसी का बिगाड़। आपके टैग ने मुझे, मैं सोच रहा था कि वो पब्लिक का हंगामा है, लेकिन आज आपका टैग ने मुझे, आपने जो टैग किया है फेसबुक पे कि मैंने आगाज कर दिया वैशाली के धरती से, उसमें सिर्फ खेसारी के मुझे कम से कम 40 ईंटे लगे हैं मेरे पीठ पे। उसका दर्द मुझे नहीं है, लेकिन भीड़ का आड़ लेकर मेरा हत्या मत कराइए आप। उस भीड़ में बहुत सारी हमारी जनता होती है जो उसको मैं भगवान मानता हूँ, उसको तकलीफ हो रही है कहीं ना कहीं। और मैं जानता हूँ प्रशासन से मदद मेरा क्या मिलेगा, इसकी कार्रवाई क्या होगी वो नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर अभी तो जनता को प्रॉब्लम हो रही है ना। मैं बहुत परेशान हूँ यार। आज पूरे वर्ल्ड में खेसारी को 6ठे नंबर पे दुनिया ने साबित कर दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, मैं दिल का क्या हूँ नहीं जानता यार, लेकिन आज बहुत रुलाया है आपने मुझे, टेक किया कि मैंने आगाज कर दिया। क्या आगाज करना चाहते हैं? मुझे नहीं लड़ना है चुनाव यार, मैं जनता की भलाई के लिए कोई काम करता हूँ।
मैं चुनाव लड़के अपना जीवन नहीं चला सकता। मैं लिट्टी चोखा बेचकर यहां तक आया हूं। उस वक्त आप नहीं थे मेरे, आप कभी मुझे 2 रुपये का मदद तक नहीं दिए। आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे से? मैं, मेरे 3 गाड़ियों का शीशा चकनाचूर, 10 लड़कों का, मेरे जो मेरे साथ गए थे सबका सर फट गया। मुझे 40 सीटा लगा यार, सिर्फ मेरी गाड़ी पे लग रहा था जैसे कि बम फेंक रहा है कोई। मैं वहां से निकला सिर्फ ऑर्गेनाइजर के कहने पे निकला यार। हर जाति के लोग मुझे इतनी प्यार देते हैं, अपने बेटे की तरह मानते हैं हर आदमी। वहां भी दुश्मन है यार, आपके जाति के लोग तो मुझे यहां भी परेशान कर रहे हैं, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग मुझे परेशान। आपने आपने आपकी नेटवर्किंग मैं जानता हूं, आपका वही काम है, आप पूरे दिन खेसारी के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं तो अपने पब्लिक के बारे में सोचता हूँ। हर वक्त अपने पब्लिक के मनोरंजन के लिए काम करता हूँ, 24 घंटे में सोता नहीं हूँ। मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ भैया, और सोया तक नहीं हूँ 2 दिन से। सिर्फ उस मनोरंजन के लिए गया था कि मैं अपने पब्लिक का मनोरंजन करा सकूँ। अभी भी मैं सदमे से नहीं निकल रहा हूँ। अगर आप दयालु होते, एक नेता के पद पे हैं, तो अमरजीत के बच्चों को गोद आप क्यों नहीं लिए? कोई नेता क्यों नहीं गया लेने के लिए? मैं उनको अपने बच्चे, अपने भगिना की तरह उनको गोद लिया। उसमें भी आपके लोग टिप्पणी कस रहे हैं कि राजनीति कर रहा हूँ। मुझे चुनाव नहीं लड़ना यार, मैं एक इंसान हूँ, इंसान भी खुश हूँ और एक इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। मेरा हत्या करा दीजिए आप, आपको लगता है ना कि मैं आपके कांटा हूँ, आपका सबसे बड़ा, आप मुझे मार दीजिए, लेकिन अकेले मारिए, पब्लिक के भीड़ का सहारा मत लीजिए। मुझे अपने पब्लिक पे विश्वास है, और जिस चुनाव की आप बात करते हैं ना, ये आपको पब्लिक जवाब जरूर देगी। जो मैं एक सरस्वती का पुत्र हूँ, और मैंने कभी किसी का गलत नहीं कहा। आज मैं रो रहा हूं ना, तो सिर्फ मेरे सामने पब्लिक, कई पब्लिकों का सर फटा। मेरे साथ लड़के गए थे देखने, मेरे साथ गाड़ी लेकर गए थे, सारे लोगों की गाड़ी के शीशा तोड़वा दिया। सबसे ज्यादा जिस गाड़ी में मैं बैठा था उस पर तो बम चल रहा था। भीड़ में मेरी हत्या मत कराइए, ये साजिश मत रचिए भीड़ में कि मैं अश्लील गाता हूं। मैं कहाँ अश्लील गा रहा हूँ यार? आप अश्लील का टेक देकर आपको बहाना मिल गया है कि खेसारी अश्लील गाता है। अश्लील गाने वालों का डेली शो हो रहा है, वहाँ हंगामा क्यों नहीं करा रहे हैं? आप अपनी व्यक्तिगत मुद्दे को, अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को, भीड़ का आड़ लेकर, अश्लीलता का आड़ लेकर दुनिया को क्यों भड़का रहे हैं? अपने अपने समाज के लोगों को मेरे विरुद्ध, आपने तो मुझे पाकिस्तान साबित कर दिया है आपके समाज के लोगों को। अब यही रह गया है कि यादव समाज का बेटा कहीं गाएगा तो बस राजपूत समाज के लोग उसको गाने नहीं देंगे, राजपूत समाज के बेटा गाएगा तो यादव समाज के लोग गाने नहीं देंगे। ऐसा मत करवाइए आप, कलाकारी में आप जातिवाद मत करिए भैया, प्लीज। और इसको अश्लीलता का टेक मत लगाइए। आज आप अश्लीलता का टेक लगाकर आप व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरे से, क्यों मत निकालिए? आपका फेसबुक का टेक आज मुझे, मैं ठीक था, मैं आ रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, मैं नहीं देखता फेसबुक। प्लीज, मैं आप सबसे, अब आप ही लोग इंसाफ करिए, मैं कुछ नहीं, और मुझे चुनाव नहीं लड़ना यार। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, मुझे तो मेरी जनता ने, मेरी भगवान स्वरूप जनता ने मुझे तो इतना बड़ा बना दिया है कि मैं 50 MP का एक पावर रखता हूँ इस जनता के बदौलत। मुझे एक महाराजगंज के चुनाव लड़ने से मेरी जीवन नहीं चलेगी, और मैं क्या चुनाव लड़ूंगा? आप लोग क्या मुझे तो तोड़ दिया आज, आज तो आपने तोड़ दिया। मैं आपके आपके ही विधानसभा का बेटा हूं ना मैं। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत करिए ऐसा। मुझे 40 सीटा लगा, इधर मेरा पूरा बॉडी सूज गया है, आप ऐसे मत करवाइए। चलिए, बाकी
ठीक है, लेकिन मैं बस जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेरा हत्या हो सकता है, भीड़ के आड़ में आदमी मेरा हत्या करा सकता है, जिस हिसाब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरा हत्या हो जाएगा। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार, कि मैं भी जब भी बिहार जाऊँ तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, नहीं तो मेरा हत्या कभी भी हो सकता है। कल जिस हिसाब से पथराव मेरे सर पे हुए हैं, सिर्फ मेरा सर बचा है, क्योंकि दो लड़के पूजे कवर किए थे, फिर भी इतना ईटा पत्थर चला है कि कम से कम 2 से 3 बोरा ईटा मेरे गाड़ी में था। आप अश्लीलता का टेक देकर दुनिया को मुझे गुमराह मत करिए। कितने लोग गाते हैं यार, लेकिन सिर्फ खेसारी ही आपका दुश्मन क्यों बना हुआ है? खेसारी ही क्यों? मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपके लिए कभी कुछ गलत सोचा हो। मैंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, मैं अपने काम के बारे में सोचता हूँ, अपने जनता के मनोरंजन के बारे में सोचता हूँ। आप लोगों से हम कलाकार लोग हैं भैया, हम लोग बड़े कोमल दिल के होते हैं, हम दिल से दुनिया से जुड़ते हैं, हमारे अंदर मकारी नहीं होती है। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग प्लीज। शायद अगर बच्चे नहीं होते तो आज शायद खेसारी लाल यादव जिंदा नहीं होता, कल मारा गया होता। और आपसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब ये इंसाफ पब्लिक ही करेगी, और ये जनता आपको जवाब तो देगी ही देगी, ऐसा नहीं कि नहीं देगी। आप लड़िए, जितना चुनाव लड़ना है सब चुनाव लड़िए, मुझे नहीं लड़ना यार, मुझे महाराजगंज नहीं चाहिए। मुझे हर जिला के लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है, मुझे हर जिला से मोहब्बत है, मुझे हर जिला में रहना है, हर जिला के लोग का बेटा हूँ मैं, हर शहर का बेटा हूँ मैं बहुत खुश हूँ यार। आप मेरा पर्सनली नुकसान करेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसमें पब्लिक का भी नुकसान करवा रहे हैं। और सिर्फ आपके समाज के लोग थे जितने थे, और इर्द गिर्द और ईंटा लेकर सब बैठे थे, पहले से पहले जनरेटर का तार काट दिया, साउंड तोड़ दिया, और उसके बाद हंगामा किया। जब साउंड तार लाइट काट देगा कोई और साउंड बंद हो जाएगा तो मैं कैसे गाऊंगा यार? और उसके बाद उसके आड़ में आप ईंटा चलवा रहे हो। जब ईटा चलती है ना तो उसमें ये नहीं देखती है कि वो किस जाति पे लग रहा है, यादव को लग रहा है कि वो मेरे राजपूत भाई को लग रहा है कि मुसलमान भाई को लग रहा है कि किस जाति को लग रहा है, ये कोई नहीं जानता। ईटा जात देखकर नहीं चलता है और जात देखकर नहीं वार करता है। मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ यार, 24 घंटे से सोया नहीं हूँ मैं। आज आपने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपको लड़ना है आप लड़िए यार, मुझे नहीं चाहिए सब, कुर्सी का मोल मुझे नहीं है, लेकिन किसी को तकलीफ देकर कुर्सी मत लीजिए। मैं महाराजगंज से हूं इसमें ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूं, आप बिंदास चुनाव लड़ो यार, मुझे नहीं आना है, लेकिन प्लीज उसमें जनता का मेरे प्रोग्राम को मेरे शो को बर्बाद मत करिए, उसमें जनता का नुकसान मत कराइए। ये 3-4 बार हो गया मेरे साथ, मैं सोच रहा था कि हो सकता है जो पब्लिक का मूड है, पब्लिक प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन आज आपका टेक, आप अपने फेसबुक पे जो टेक किया है उससे समझ में आ गया आज ये कौन कर रहा है। कोई नहीं, बस मैं अपने जनता को भगवान मानता हूँ, ये भगवान हर जाति के जो भगवान मेरे, चाहे वो यादव जाति से या राजपूत जाति से, सब मेरे लिए पूजनीय है, मैं सबका पैर छू रहा हूँ। हर जाति को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, हर जाति को अपना भगवान मानता हूँ, मेरे अंदर जात पड़ता नहीं है, मैं हर जाति का बेटा हूँ, बस बेटा बन के रहना चाहता हूँ, नेता बन के नहीं। मुझे शक्ति आप लोग देते हैं, मुझे पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर पे चुना किसने? आप सब ने चुना। 24 वीक में मुझे 90 करोड़ लोगों ने सर्च किया, किसने? आपने।
खेसारी के हर गाना को, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड तक को आपने सब्सक्राइब कर करके आज मुझे इतना बड़ा बना दिया। हर जगह आप, जब मेरा गाना रिलीज होता है तो लोग मुझे प्यार देते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो एक दिन में इतने सारे लोग कैसे देख लेते हैं? इसका मतलब जनता ठीक नहीं है, जनता अश्लील सुनना चाहती है। मैं अश्लील ही गाता हूं इसलिए एक दिन में 40 लाख लोग देखते हैं। एक खेसारी गलत क्यों यार? बहुत सारे लोग गा रहे हैं, एक खेसारी के ऊपर ही ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपको अश्लीलता बगाना है तो आप धरना पे बैठिए, मैं भी बैठूंगा आपके साथ, आपका भाई छोटा भाई भी बैठेगा, आपका सपोर्ट कर रहा हूं मैं, कि मैं आपके साथ हूं भैया, कि प्लीज मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूं। आप ऐसा कुछ मत करिए जिससे जनता को प्रॉब्लम, जनता का सर फटे। मेरे लोगों को 3 गाड़ियों का शीशा तक नहीं बचा है और मेरे गाड़ी पे तो कुछ नहीं बचा है। मैं नहीं भगता तो शायद मैं कैसे कैसे भागा, खेता खेती भाग के आया हूं मैं। मेरे 4 लड़के और मैं खेता खेती दौड़ दौड़ के मेरा जूता चप्पल सब छूट गया, मैं कैसे कैसे भागा हूं वहां से। आप ऐसा मत कराइए अपने समाज के लोगों से। आपके समाज हर आदमी तो गलत नहीं हो सकता, मुझे भी पता है आप कुछ लोगों के, आपके चंद लोग हैं जो फेसबुक पे मुझे जो भी मैं गाना गाता हूं उसके में गाली गलौज भरते रहते हैं, लिखते रहते हैं। प्लीज भैया, अगर आप किसी का, किसी को प्यार नहीं दे सकते तो किसी का विरोध भी मत करिए, उसको गाली भी मत दीजिए। अगर आप सम्मान खेसारी को नहीं दे सकते तो मैं आपसे सम्मान की इच्छा भी नहीं रखता कि आप मेरा सम्मान करेंगे। मुझे माफ करिए, मैं अगर कोई गलती किया हूँ आपके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। ऐसा मत करिए, मुझे मुझे दुश्मन मत बनाइए मेरे जनता को। मुझे बहुत प्यार करती है मेरी जनता, वो जवाब देखिए आपको, मुझे पता है। देखिए आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आपके समाज के कुछ लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे गाली दिलवा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मैं अगर किसी का मदद भी कर रहा हूँ उसको भी चुनाव का और राजनीति मोड़ देते हैं कि हाँ इसमें भी राजनीति। बस बाकी कुछ नहीं, आप मेरे शो में पहले लाइट कटवा देते हैं, लाइट कटेगा तो साउंड बंद होगा, साउंड बंद होगा तो हंगामा होगा। मत करिए ऐसा, आप लोग सम्मानित हैं, हर जाति के लोग मेरे भगवान हैं, मैं उनको मानता हूँ। मेरे लिए कोई जात दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन होता तो आज खेसारी लाल यादव यहाँ तक नहीं पहुँचता। और इतनी प्यार आप लोगों ने दी है उसका सम्मान पूरे जीवन करूँगा मैं, बस इसी वाणी के साथ। बाकी कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी जनता है, सब हिसाब इसके पास रहता है। और मैं प्रशासन से कहूँगा कि प्लीज़ मैं जब भी बिहार आता हूँ तो मेरी मदद करें, नहीं तो शायद मेरा हत्या हो सकता है। बस आपका बेटा खेसरिया, एक लीठी बेचने वाला, एक गरीब का बेटा, आपका बेटा। नमस्ते।